शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते अदालत चौराहा पर नवरंग होटल के सामने बरसों पुराना नीम का पेड़ गिरने से उसके नीचे होंडा सिटी कंपनी की कार और एक ऑटो पेड़ के नीचे दब गया। जिस समय पेड़ गिरा उस समय ऑटो के अंदर ऑटो चालक भी सवार था। इसे नगर निगम की रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पेड़ के नीचे दबने से कार और ऑटो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए हैं। मौके पर पहुंचे नयापुरा थाना अधिकारी लक्ष्मी चंद वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और नगर निगम की रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई है। जेसीबी से पेड़ को हटाया जा रहा है, जल्द ही रास्ता साफ किया जाएगा। मैं अदालत के गेट नंबर 2 के पार कार में बैठा हुआ था और फ़ोन से बात कर रहा था। इतने में मैंने वो पेड़ को पूरा गिरते हुए देखा मैंने सामने से। तुरंत कार बंद करके मैं दौड़ के भाग के आया, तब तो पेड़ गिर चुका था। 8-10 लोग चारों तरफ से भाग के आए थे। सबसे पहले देखा कि ऑटो में ऑटो चालक दबा हुआ है, तो हम सब लोगों ने कोशिश करके उसको चारों तरफ से निकालने की कोशिश करी, खोलने की कोशिश करी। आधे घंटे तक जब हमको लगा कि अब निकल संभव नहीं है, तो मैं तुरंत भाग के गाड़ी लेकर पुलिस चौकी पर गया। पुलिस के थानेदार जी को और चौकी इंचार्ज को लेके आया। फिर यहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड बुलाई और पुलिस अधिकारी भी आए। उसके बाद सब लोगों के सामूहिक प्रयास से बच्चे उस आदमी की जान बची। कलेक्ट्रेट चौराहे पे एक पेड़ गिर गया था, उस पेड़ के नीचे एक कार दब गई और इसके अलावा एक ऑटो दब था। ऑटो चालक था, वो ऑटो चालक दब गया था। पर जो है जन सहयोग से और नगर निगम की टीम मौके पर आ गई कंट्रोल के माध्यम से, उसके माध्यम से निकलवा दिया। उसके पैर रखकर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्बुलेंस से भेजा गया। सुरक्षित है वो और उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित है। फटाफट रेस्क्यू करना पड़ा, हाँ तुरंत रेस्क्यू करना पड़ा। सूचना आ गई, सूचना तुरंत मौके पर आ गया और मेरे कंट्रोल के माध्यम से नगर निगम लाइटिंग टीम भी आ गई थी और जन सहयोग से भी जो है सुविधा मिली थी, साथ ही निकाल लिया। उसके पैरों फ्रैक्चर है, कार तो अभी भी दबी हुई है, कार अभी भी दबी है, कार को निकालेंगे। ऑटो क्या जा रहा था, खड़ा हुआ था? ऑटो खड़ा हुआ था, दोनों खड़े हुए थे। कार के अंदर कोई नहीं, कार के अंदर कोई नहीं।